क्योंकि इनके साथ अगर मैंने कुछ भी कहा तो शब्दों की मरीचिका में मैं घूमती रहूंगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इन जैसे चिंतनीय व्यक्ति अगर समाज में हैं और राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं तो निश्चित ही हम बहुत समृद्ध राष्ट्र की ओर बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे नहीं हैं, बढ़ चुके हैं। मैं इनसे हमेशा ही अपेक्षा और आशा करती रहूंगी कि हमें इसी तरह जागृत रखें, अपने लेखन के माध्यम से हम सबको दिशा देते रहें। ईश्वर से एक प्रार्थना है कि निरोगी स्वस्थ और दीर्घायु हो और माँ सरस्वती कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय सम्मानीय प्रीति वाजपेयी जी की ये अभिव्यक्ति और अब हम सब जिस वाणी को सुनने के लिए विकल व्याकुल है वो वाणी है परम सत्य सात्वी विभानंद दीदी जी की। प्रज्ञा पीठाधीश्वर सात्वी विभानंद जी जो धर्म सेवा साधना और अध्यात्म की धारा से मानव कल्याण के पथ पर निरंतर क्रियाशील है, न केवल जबलपुर के कटंगी स्थित अपितु दिल्ली में भी प्रज्ञापीठ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जबलपुर शहर के नाम को गौरवान्वित कर रही है। हम उनकी आध्यात्मिक आभा को प्रणाम करते हैं और उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम सब तक समर्पित करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंच पर विराजमान आज इस दिव्य और भव्य इस कार्यक्रम की दिव्य आत्मा अनुभवी निर्विकार आत्मा, निर्विकार तो इस सृष्टि में एक ही है जिसका नाम है भगवान शिव, जो विकारों से बहुत परे हैं लेकिन निर्विकार, लेकिन हम सब उनकी संतान हैं, प्रभु हमारे सनातन पिता हैं। साथ में ही विराजमान साहित्य जगत के पुरोधा, या यूं कहूं इस भारत के भीष्म पितामह जो प्रति वर्ष कादंबरी संस्था के द्वारा 200-300 लोगों को पूरे साल भर उनकी लेखनी का आकलन करते हैं और उनको यश देने का कार्य करते हैं, जो दूसरे को यश देते हैं वही भागवत जी कहलाते हैं। भागवत तो दूसरे का कल्याण करती हैं और हमारे सामने एक भागवत जी आचार्य भगवत दुबे जी आप सबके सामने विराजमान हैं। इनकी तप को इनकी लेखनी को प्रणाम करती हूँ क्योंकि इनका संबंध पूज्य गुरुदेव से और उसके बाद जुड़ते जुड़ते हम तक पहुँचे और ऐसा पहुँचा कि वो दिल्ली जाकर के वो संबंध स्थापित हुआ। पूज्य गुरुदेव ने देखा जब सीसीटीवी कैमरे से, बोले ये यहाँ तुम्हें ढूंढते आएंगे, ये तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। आदरणीय स्वर्गीय गार्गी शरण मराल साहब और आचार्य भगवत दुबे एक ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान की प्रतिभा को खोज कर लाते हैं और भारत की संस्कार धानी में उनको सम्मानित करते हैं। तो ऐसी विभूति को हर पल स्मरण करना चाहिए। साथ में ही शिक्षा जगत के प्रोधाम और जिनकी वाणी को हर साहित्यकार जो भी पुस्तक लिखता है जबलपुर के अंदर वो चाहता है उस पर व्याख्यान हो, तो आदरणीय श्री हर्षी शंकर दुबे जी किताब लिखेंगे, लेकिन समीक्षा उस पर बोलने के लिए किताब लिखने से पहले जैसे विषय तैयार करते हैं ना, ऐसे ही इस महान विभूति को तैयार करते हैं प्रभु, इस विषय पर किताब लिखने आपको आना ही। तो ऐसे महान विभूति हरिशंकर प्रोफेसर हरिशंकर दुबे जी मेरे साथ में ही विराजमान
नारी शक्ति की सशक्त आयरन लेडी आदरणीय चौधरी जी और समाज सेवी आयुष संस्कार धानी के समाज सेवी राजनेता अध्यात्म को करीब से जानने वाले स्वर्गीय श्री भगवती धर वाजपेयी जी की कुलवधु, जो समाज से भी अपने ससुर के परचनों पर चलते हुए जबलपुर में सभी से संपर्क बनाए हुए हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती हैं, ऐसी प्रीति वाजपेयी जी। वैसे समाज के गौरव और भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे आदरणीय भाई शरद अग्रवाल जी, कैलाश साहू जी हमारे सामने विराजमान, कमिश्नर साहब जी, डॉक्टर साहब और ज्योति जैन जी, गीता सिंह परिहार जी, इस संस्कार धानी की के सभी वरद पुत्र, सभी मातृशक्ति, मेरे प्यारे भाई, भारत खंडित कब तक और, बड़ा विषय है, कुछ सेकंडों में तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसको छूने की, इसको स्पर्श करने की बात कर रही है। लेकिन एक परिचय और, पहली बार जीवन में मैंने ऐसा मन संचालन करते हुए देखा है, अपने पूरे जीवन में 52-53 साल के हो गए, पहली बार, क्या बात है, क्या पहली बार ऐसा मन संचालन करने वाला ब्राह्मण देवता है ये, ऐसे कि जो इस पाथे का आरूढ़ हमेशा अपने सर पर करते हैं और जितने भी इस हॉल में सामने बैठे हुए अतिथिगण हैं, ये सारे वीवीआईपी, सब वीवीआईपी, एक से एक प्रतुल वाजपेयी जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी, एक से जितने भी माताएं हैं सब महान विदुषी हैं और इधर बंधु सब विद्वान हैं, लेकिन ऐसा मन संचालन करने वाला व्यक्ति जीवन में पहली बार एक एक व्यक्ति का परिचय देना, उसके कार्यों का, उसके कल्पित का, उसके व्यक्तित्व पर बात कहना और उसके बाद बड़े मुस्कुराते हुए उनकी आंखें बोलती हैं, उनका चेहरा बोलता है, उनका चलना बोलता है और उनकी एक एक अदा, हर व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हुए शायद वो इन्हीं के आमंत्रण पर आते होंगे, शायद उनके दिल के करीब आपको बिना कार के एक फोन करके कहीं लिखते हैं तो सबको लगते हैं कि प्रवीण जी जो अपने कार्यों में प्रवीण हो, और ये वास्तव में अपने कार्यों में प्रवीण ही तो है। तो ऐसे ओहो, क्या पाठक जी गजब है, पाठक जी जैसा नाम है वैसे ही कार्य करते हैं, इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ऐसे व्यक्ति हैं ये, जैसे पांच पांडवों के बीच में जब कृष्ण चलते थे तो आनंद आता था, इस पूरे सभागृह में जब ये बोलते हैं तो लगता है कि मस्तक पर जो हम चंदन लगा रहे हैं तो यही अक्षत है। ऐसे प्रवीण जी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, 24 टुकड़े भारत के हुए और उस समय 83 लाख वर्ग किलोमीटर भारत था। कौन सा, अभी आदरणीय द्विवेदी जी बोल रहे थे कि जम्बू दीपे भरत खांडे आर्यावर्ते, आप सोचिए कितना बड़ा था आर्यवर्त, इस भारतवर्ष का नाम था आर्यवर्त। इसके इतने टुकड़े हुए अब ये 33 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है, और जो इसमें से टुकड़े हुए थे देशों का, वो देश 50 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन उसके बाद भी ये विश्व गुरु है, उसके बाद भी ये विश्व गुरु है, ये बड़ी पीड़ा का विषय है। ये भारत राष्ट्र ना एक देश नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और जिसके टुकड़े हुए हैं। हम जब चाहते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे कितने जितने भी देश हैं, और आप सबने महसूस किया होगा जब आप विदेश यात्रा करते हैं और जितने भारत के ये टूटे हुए अंग हैं यहाँ पर आपको विजय
वीजा की जरूरत नहीं, अराइवल वीजा। तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेश जाता है, और जब आप अपने ही शरीर को देखते हैं, निहारते हैं, जब मस्तक को देखते हैं, आईने में खड़े होकर के अपने सर्वांग शरीर को जब दर्शन करते हैं, तो वहां पर अपनापन आते हैं। ये भारत है, जीता जागता राष्ट्र। जब आप इंडोनेशिया जाते हैं तो तब आप कहते हैं, इंडोनेशिया के नोट पर देखो ना, गणेश जी का चित्र है। तो ये सर्वांग शरीर का दर्शन ही तो है इस राष्ट्र पुरुष का, जिसका नाम भारत है। पर जब आप मॉरिशस जाते हैं तो तब आप कहते हैं, देखो ना, जब आप म्यांमार जाते हैं तो तब आप कहते हैं कि हर घर के आगे तुलसी जी लगी है, और एक धर्म झंडा गड़ा हुआ है। तब आप पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं हिंगलाज देवी का मंदिर है, और वहां पर हमारे पूर्वजों के घर है। जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां आप अपने सर्वांग शरीर के दर्शन करते हैं, यानी कि भारत राष्ट्र पुरुष के दर्शन करते हैं। लेकिन अभी आप सबने देखा होगा, मैं अध्यात्म से संबंध रखती हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370 धारा को हटा करके भारत के मस्तक पर हीरो का मुकुट लगाया। ये साधारण सी बात नहीं है। जहां पर भारत माता जंजीरों से जकड़ी हुई थी, वहां पर जाकर के नरेंद्र भाई मोदी ने वहां जाकर के भारत माता के मस्तक पर वहां भगवा वस्त्र चढ़ा करके उनको अक्षत लगा करके उनका वेलकम कर दिया। नहीं तो ये भारत का स्वर्ग आज यहाँ होता क्या अपने पास? ये धीरे धीरे हम बढ़ ही तो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि साथ वाले पड़ोसी देश में लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। जब कोरोना का समय आता लोग मर रहे थे, बिना दवाइयों के मर रहे थे, बिना किसी तरह की सेवा के मर रहे थे। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब एक दिन भारत का यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री, जिस दिन आंख आपकी खोलेंगे आप, रात्रि को सोएंगे सुबह उठेंगे, जैसे एक दिन हुआ था ना कि नोट बंद, सारे आदमी देख रहे थे 500 के 1000 के नोट सब खराब, ऐसे ही एक दिन होगा जब आप सवेरे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें खोलेंगे तो सारे टीवी चैनल पर चल रहा होगा कि भारत ने पूरा पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। हर एक व्यक्ति के मुख में एक ही मंत्र है, अखंड भारत हो, अखंड भारत हो। हर साधु कहीं भी जाते हैं, कोई बात करता है, अखंड भारत हो, अखंड राष्ट्र हो। इस समय एक ऐसी आहुति चल रही है जो चलते फिरते उठते बैठते सब जगह चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है। जो कभी हिंदू राष्ट्र था, जो कभी भारत का अंग था नेपाल, वहां पर हमें कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा जल्दी भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको साथ लाने की तैयारियां चल रही है। अंदर ही अंदर राम राज्य स्थापित हो गया है, राम भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब 2025 के बाद देखिए फिजाएं भी बदलेंगी, हवाएं भी बदलेंगी, सनातन पुराना हुंकार करेगा और हिंदू राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाएगा। जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने, साहू जी ने जो अपनी पीड़ा को बयान करा है, वो जरूरी भी है, ऐसी लेखना भी हो, लेखनी भी होनी चाहिए। जिसको पढ़ने के लिए हम ऑनलाइन या पुस्तक मेले में जाए या उसे डाउनलोड पढ़ के बात करे कि देखे तो सही, हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़े तो सही कि भारत के कितने अंग निकल गए हैं, ये जानना भी तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये आप निश्चित मानिएगा, ये वो भारत है जहां पर केवल ऋषि मुनि कर्तव्य, और साथ में यहां पर बहने वाली पाप को तारने वाली माँ गंगा और वो मनवा नदी जो दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण करती है, ये वो भारत आध्यात्मिक सनातन, ये वो दर्शन क्षेत्र है भारत का, ये जहां पर विदेशी लोग आकर के, जहां पर हैरी हैरी होते हैं और भारत में आकर के वो हरे कृष्णा बन जाते हैं।
जो वहां रह करके जोली होते हैं और भारत में आके वो अपने आप को जय कहलाने लगते हैं और भारत की गलियों में त्रिपुंड लगा के लंबा तिलक खींच के, और वो गोरे जो कभी हम पर शासन करते थे आज वो आपकी सनातन संस्कृति के कारण, आपके अध्यात्म शक्ति के कारण, आपके संतों की तपस्या के कारण आज वो वृंदावन की गली गली में, काशी की गलियों में, हरिद्वार की गलियों में हरे रामा हरे कृष्णा कहते हुए घूम रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। आज वहाँ विदेशों में उनके संस्कृत स्कूल में आज वहाँ संस्कृत की पाठशालाएं चल रही हैं। आज वहाँ का राष्ट्रपति भी जो अपने आप को शक्तिशाली देश कहता है, आज वो भी जब वहाँ पर मुख्य उनका प्राइम मिनिस्टर जब औत लेता है तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मंगला चरण के द्वारा मेरी औत लिया जाए, वहाँ पर शांति पाठ होगा, मंगला चरण होता है। ये क्या है? ये भारतीय संस्कृति का रस है, ये सनातन और शाश्वत है जो परमात्मा अपनी ओर खींच रहा है। उसकी ओर ऐसा खींच रहा है कि चारों तरफ को किसी भी देश में चले जाइए। अभी कुछ समय पहले तक सब लोग हाथ मिलाते थे, लेकिन चमत्कार ऐसा प्रकृति का, चमत्कार ऐसा ईश्वर का कि वो सब कहते हैं राम राम नमस्ते, राम राम नमस्ते। कहां, ये भारत की संस्कृति का ही तो है, ये आपके तपोबल का ही तो है, ये भारत के उत्थान की बात नहीं तो क्या है? लेकिन आने वाला समय सच में एक दिन शायद हम ना देख पाए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी देख पाएगी, हमारे बच्चे देख पाएंगे, हमारी तीसरी पीढ़ी देख पाएगी कि सारा वो अफगानिस्तान, आप सबको याद होगा महाभारत के युद्ध में 5,500 वर्ष पहले जो वायुयान था जिस युद्ध किया करते थे। आपको पता है नासा के साइंटिस्ट ने खोज कर निकाला उस वायुयान को जो वहां पर रखा हुआ है, और जिसको देखा कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई वहां जाकर देखे कि ये वायुयान कैसा है, तो जब वहां गए तो उसमें इतना चुंबकीय प्रभाव था कि उन सैनिकों को उसने अपने अंदर खींच लिया। अब वो दूर से उसको साइंटिस्ट देख रहे हैं कि ये क्या है, ये वही नासा है जो कभी बात करता था भारत के विपरीत तरह से, लेकिन वही नासा है, वही भारत में आकर के आपको देखते हैं कि सेतु बांध को देखकर कहते कि मानव निर्मित नहीं है, ये निश्चित रूप से ईश्वर का बनाया हुआ है। भारत के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिर का सर्वेक्षण चल रहा है, विदेश की एजेंसियां कर रही है और आकर कहते कि यहाँ व्यक्ति आकर ठीक कैसे होती, ऐसा कौन सा चमत्कार है? लेकिन वहां के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये भारत के जितने पुराने टेम्पल है ये मानव निर्मित नहीं है, निश्चित रूप से किसी ग्रह से कोई आया होगा और इसको बनाया गया होगा। अभी ये भारतीय संस्कृति ही है कि जहां पर परिवार संयुक्त परिवार साथ रहता है, जहां एक दूसरे की फिक्र करते हैं, और लाल मैकाले ने कहा था जब किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति पर प्रहार कर देना चाहिए, तो फिर राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। लेकिन भारत की शाश्वत सनातन ऐसी संस्कृति है जो गोरे आए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मुगल आए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आज भी हमारी संस्कृति है कि हम एक साथ बैठ कर के खाते हैं, एक साथ आपकी बात सुनते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया साहू जी ने इतनी दिव्य कथा लिखी, इतना दिव्य बात उन्होंने कही, लेकिन जो जाल चौकड़ी की बात है ये मैं अध्यात्म दृष्टि से एक बात रखना चाहूंगी। इन्होंने अपने तरीके से बात रखा भौतिकता से कि जब जीव का जन्म होता है सुख और दुख उसके साथ आते हैं, जब जीव का जन्म होता है यश और मान सब उसके साथ में आते हैं, तो जब जीव इस पृथ्वी पर है तो दुख और सुख का आनंद लेता रहेगा, दुख और सुख के साथ में संघर्ष का आनंद लेता रहेगा, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो क्या गाथा अपने परिवार को सुनाएगा, क्या किसी को कहेगा? तो जीवन का अगर आनंद है तो सच बताएं वो इस जाल चौकड़ी में ही है कि पति हॉस्पिटल में है और पत्नी अपने घर में बैठकर काम कर रही है, पता लगा कि कोई अतिथि आ गया,
वो बाहर नहीं निकल रहे अतिथि देवो भव, पति संघर्ष कर रहा है अस्पताल में, लेकिन वो महिला उस साधु को भोजन बनाकर खिला रही है। इसमें भगवान का वास है, अतिथि देव है, शायद इसके पुण्य प्रताप से मेरे पति की आयु हो जाए। ये जाल चौकड़ी का कम है, ये परमात्मा के रची रचाई जाल चौकड़ी, ये अध्यात्म से जाती है, अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर केवल 10 मिनट और लेंगे सुनीति जी, बस सम्मानीय आशा निछारिया जी, केवल 10 मिनट समापन, केवल समापन है, आपको अभी सम्मानित करना है। समापन बिंदु परम क्षत्रिया साध्वी विफानंद दीदी ने जीवन के दर्शन, अध्यात्म के दर्शन, देश के दर्शन, देश की स्थिति और हम सब के अंतस को जिस भाव से स्पर्शित करके प्रेरणा का एक साकार बीजारोपण किया, एक बार फिर हम तालियों के साथ अभिनंदन और मंचन जब दादा आप दिल्ली में थी, हमने ये प्रार्थना की कि हमें जबलपुर आप 23 तारीख को आ जाएंगे, निवेदन किया और उन्होंने ये निवेदन केवल इस बात पर स्वीकार, बोली बात क्या है, हमने कहा केवल एक किताब का विमोचन है, भारत खंडित कब तक, और इस शीर्षक को सुन के उन्होंने कहा मुझे किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये शीर्षक ही मेरे लिए, मेरे मन के लिए, उस आयोजन में अभिव्यक्ति देने के लिए परिपूर्ण है। तो ये किताब सम्माननीय साध्वी विभा जी ने पढ़ी नहीं, बिना पढ़े जो दर्शन, जो आध्यात्मिकता, जो भाव, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना की, एक बार हम बोलेंगे भारत माता की, उसी भारत माता के प्रभाव को, भाव को, दर्शन को साध्वी जी ने हम सबके सम्मुख अभिव्यक्त किया। हृदय से नमन वंदन। और अब अगला चरण सम्मान का, केवल 5-10 मिनट और, 9 बजे हम नाश्ते के लिए प्रस्थान कर देंगे। तो अभी हमने जिनकी कृति का विमोचन किया, परम सत्य डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी, डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी दर्शन धर्म अध्यात्म के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, चिकित्सा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, समाज की मूल अवधारणा को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए समर्पित व्यक्तित्व। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं गुंजन कला सदन आदरणीय प्रभु श्रीवास्तव जी को कि वो शीघ्रता से मंच पर आए और पकड़ी बंधन का आदरणीय श्री डॉक्टर सुरेंद्र लाल जी का अभिनंदन करें। सम्मानीय देवेंद्र पांडे जी पीएमजी परिवार से, आदरणीय संतोष शर्मा जी कृपया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। ये प्रतीक सम्मान, प्रतीक सम्मान माननीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी का, आदरणीय कृष्ण कुमार अग्रवाल जी एक क्षण के लिए अस्तिका शैली हमारे बीच में, उनका भी हम अभ्यर्थन करते हैं। और इसी क्रम में, इसी क्रम में पाथे की एक सार्थक परंपरा है जिसकी कृति का विमोचन होता है, उन कृतियों का विमोचन और उनका सम्मान विशेष हम समादरित सम्मानित कर रहे हैं। पाथे परिवार से सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी को हम निवेदन कर रहे हैं, साधना जी कृपया मंच पर आए, साधना साहू जी, सुरेंद्र लाल जी मंच पर आसीन, माननीय अतिथिगण मान पत्र देकर सम्मानित करेंगे सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जी को। ये अलंकरण मान पत्र समर्पण है सम्मानीय डॉक्टर सुरेंद्र लाल जी का, हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय सुभाष शलभ और एचपी पालक सर, आदरणीय श्री सुशील श्रीवास्तव जी, राजेंद्र मिश्रा जी कृपया उनके साथ डॉक्टर सुधीर पांडे जी और अरविंद यादव जी सम्मानीय मंच पर आए, शाल समर्पित कर सम्मानित करेंगे आदरणीय सुरेंद्र लाल साहू जी को। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, परिवार के लिए तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन सम्मान। ये सम्मान सम्मानीय सुरेंद्र लाल जी साहू का, ये सम्मान अगले क्रम में फिर प्रारंभ होगा। हमने आज 3 संस्थाओं को समादरित सम्मानित करने का जो पावनतम संकल्प प्रस्तुत किया था, सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं साहित्य संस्कार परिवार, एक कृपया जी आपका सम्मान कुछ क्षणों मंच पर आमंत्रित है साहित्य संस्कार परिवार से सम्मानीय शरद अग्रवाल जी, कृपया मंच पर सम्मानीय शरद अग्रवाल, मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय सुरेंद्र, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी,
मंच पर सम्मानी सुरेंद्र पवार जी आदरणीय खरे सर भी हमारे बीच में है, वो भी कृपया मंच पर आए, शॉल उठाए, आज मंच पर लेकर श्री रमेश यादव जी मंच पर साधारण आमंत्रित है, आदरणीय वासुदेव आहूजा जी मंच पर साधारण आमंत्रित है। अब ये सम्मान जबलपुर से प्रकाशित साहित्य संस्कार पत्रिका को मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि हम सब निरंतर सृजनरत रहते हैं, वर्तमान परिवेश में अखबारों में स्थान प्रकाशन का नहीं मिल पा रहा, जो साप्ताहिक परिशिष्ट प्रकाशित होते हैं वो दिल्ली से होते हैं, भोपाल से होते हैं और वहां से प्रकाशित होकर जबलपुर आते हैं, लेकिन साहित्य संस्कार एकमात्र जबलपुर से प्रकाशित ऐसी पत्रिका है जिसमें कहानी भी प्रकाशित होती है, कविताएं भी होती हैं, संस्मरण भी होते हैं, समीक्षा भी होती है, धर्म और संस्कृति की अभिव्यक्ति भी होती है। तो ऐसे संपादक मंडल के प्रधान माननीय शरद अग्रवाल जी एक बार तालियों के साथ, सुरेंद्र भैया, सरी जी, पूरा साहित्य संस्कार परिवार कृपया तो कुछ लोग आप लोग भी खड़े हो जाए और साहित्य संस्कार परिवार का ये सम्मान सबसे आगे है साहित्य संस्कार मंच पर साहित्य संस्कार आदरणीय अतिथिगण एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे साहित्य संस्कार परिवार। शरद भैया आप उस तरफ चले जाए, सुरेंद्र भैया आप ऐसे आ जाए और साध्वी जी आप बीच में आ जाए, डॉक्टर तनुजा जी, प्रीति जी, तालियां निरंतर तालियां, साहित्य की संरक्षा और साहित्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध पत्रिका साहित्य शाल समर्पित करेंगे मंच पर। और भैया चार मालाएं जितने अतिथिगण आए हुए हैं सबके लिए मालाएं लेकर आए, जल्दी मंच पर आमंत्रित आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, आदरणीय शंकर जी को मोतियों की माला से अभिनंदित करेंगे, कृपया शीघ्रता से आए। आदरणीय एच पी पालन सर, विजय नेमा अनुज जी, संतोष नेमा जी, सुभाष शरद जी शीघ्रता से मंच पर आएंगे। आदरणीय नंद किशोर चौबे जी मंच पर सादर आवर्तन, संतोष भैया इस तरफ जाए, ये माला भी आपको अर्पित करना है। एक बार साहित्य संस्कार के लिए तालियों के साथ अभिनंदन और अभिवादन करें, ये पूरा कप्तान पूरा का पूरा। अभी आपने साहित्य संस्कार के नवीनतम अंक की समीक्षा हुई, उस समीक्षा में ये दर्शन और ये भाव व्यक्त किया गया कि साहित्य संस्कार को कैसे और आगे समाज के सामने ला सके। हम केवल एक निवेदन करेंगे, हम अखबार पढ़ते हैं, हम बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं आजकल नहीं बुला पाते, लेकिन साहित्य संस्कार के वार्षिक सदस्य बने, आजीवन बने, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारे साहित्य के लिए प्रतिबद्धता है। जरूरी नहीं कि आप 5,000 1,000 1,500 रुपए देके आजीवन बने, आप केवल 250 रुपए देके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं, पत्रिका को प्राण धारा मिलेगी। और सबसे प्रमुख बात ये कि आपकी रचनाएं उस पत्रिका में पूरे आत्मविश्वास और पूरी प्रमुखता के साथ ये लोग प्रकाशन भी कर रहे हैं। तो ऐसे साहित्य संस्कार पत्रिका का अभिनंदन करते हैं और एक बार पूरे परिवार के लिए एक बार तालियों के साथ। तो मैं ये निवेदन करूंगा साहित्य संस्कार के पूरे सदस्य का दिया जाए एक विधिवत छाया चित्र, सभी लोग हम लोग पीछे हो जाएंगे, पहले साहित्य संस्कार पीछे हो जाएंगे और पीछे में आप आगे भैया विजय जी ऐसे आओ, आपकी माला कहाँ गई बुंदेली वाणी, बुंदेली बोली,
तो बुंदेली बोली का जो वैभव है, जो सांस्कृतिक सौहार्द है, उसको अगर जबलपुर में निरंतरता के साथ स्थापित किया तो वो नाम था डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव का। डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव की स्मृति में बुंदेली के अनेक आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं। हमने तो 12 मई बुंदेली की गोष्ठियां प्रारंभ की, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद की स्थापना हुई और उसके बाद सम्मानीय श्रीमती प्रभा विश्वकर्माशील जी ने बुंदेली वैभव को सुरक्षित संरक्षित रखने अथक परिश्रम किया, निरंतर कार्यक्रम संयोजित किए बुंदेली में। प्रभा जी आकाशवाणी जबलपुर की बुंदेली उद्घोषिका है, गम्मत, चौपाल, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो ग्रामीण भाषा को जन सामान्य तक पहुंचा रही है। एक बार हम उनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आदरणीय प्रभा विश्वकर्मा जी, प्रभा जी अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद और अभी अभी इसी का एक परिवर्तित स्वरूप अखिल भारतीय बुंदेली संस्कृति परिषद, ये दोनों संस्थाओं का संचालन का दायित्व है प्रभा विश्वकर्मा जी को और पूरे बुंदेली वैभव के साथ। प्रभा जी एक मिनट इतना, हम सब चाहते हैं कि केवल दो क्षण एक निवेदन है प्रभा जी, बुंदेली में अगर ये सम्मान हो रहा है तो आपका कहो। सभी जनों से हम राम राम कर रहे हैं और राम राम तो रोज करो पे, आज करो परसों राम। काय बात है, अक्षय जो जो हमारी सरस्वती माता की देन है, आदरणीय सुरेश दलाल साहब ने विकार जी की किताबें विमोचित की है, इनके हमेशा श्री वृद्धि होते रहे साहित्य की, हम तो देखे हैं और सब जने जितने तो बैठे थे सब का छुना का छुना साहित्यकार कलाकार और लगनशील मिलन या व्यवहार के तो है ही है, ऐसे एक दो सब ही जोड़ो आउट है तो जो ऐसे तो मिलन व्यवहार से तो हम आप सब को संग बनो रहते हैं और सम्मान की तो ऐसी है कि बुंदेली को सम्मान आदरणीय राजेश पाठक कुलवीर जी ने विचारू और पाथे की तरफ से जो आयोजन कर लो। अब आज अक्षय तृतीया के दिन पे अगर सम्मान हो रहा है बुंदेली परिसर को तो हम अपने संतोष भैया से जाएंगे हैं क्या खबर राखियो, अक्षय तृतीया पे अपने आगत है एक नए कार्यक्रम ऐसे ही बड़ो करने हैं और ये बात चाहे अपन चाहे स्थापना के रूप में ले लें चाहे जैसे भी ले लें, का बहुत ही बड़ो सम्मान है आज के दिन बहुत ही महत्व। बुंदेली में जिन्होंने सृजन किया है वो सब कृपया मंच पर आ जाए। आइए मातृशक्ति और इसी क्रम में प्रभा जी नमामि देवी शिव सरिते समर्पित करेंगे आदरणीय विजय नमानु जी के साथ। चलिए नमामि देवी शिव सरिते का समर्पण और इसके बाद के सम्मान निवेदन है मंच पर आसीन आदरणीय आचार्य भगवत दुबे और सम्मानी डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी से कि वो शरद भैया जी विशेष रूप से निवेदन है आप ही मंच पर आए, साहित्य संस्कार परिवार के सभी सदस्यों भी सुश्रवाद आएंगे मंच पर। एक मिनट ये उपचार है भैया पहले इसका व्यवस्था में आइए एक बार तालियों की अर्थ है प्रभा जी को अर्पित कर हाँ जी अस्मिता जी आपके मंच पर आए, अगला चरण आपका बुंदेली लेखन का होगा और डॉक्टर सरबनाथ यादव जी आपने तो बुंदेली और बघेली दोनों भाषाएं किया है भोजपुरी, एक बार बुंदेली और भोजपुरी के लिए अभिनंदन करेंगे। अर्चना द्वेदी जी पीछे जो है कोशिश कर रही है आप भोजपुरी में लिखने का, बुंदेली भोजपुरी बघेली ये सब परिवार की आ जाइए आपके मंच पर, जिनने लोक भाषा में सृजन किया वो सब कृपया मंच पर आए। लोक भाषा बुंदेली बघेली हमारी संस्कृति से जुड़ी वो भाषा
जिसको हम लोग ग्रामीण तबके की भाषा कहते हैं, लेकिन उसमें संस्कृति है, उसमें सौंदर्य है, उसमें रस है, प्रभावशीलता है, हृदय से अभिवादन। और ये अलंकरण मंच पर आसीन मानी संतुष्ट भी आप स्वीकारेंगे अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद और बुंदेली परिषद के दायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री संतोष शर्मा जी, विजय शर्मा अनुज जी, उनके साथ मंच पर आसीन सभी सभी कृपया मंच पर आए। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन और अभिवादन करेंगे। मनोज दिया, मनोज शुक्ल जी, आपने तो सभी विधाओं में निरंतर सृजन किया है। अनिल शुक्ल हमारे बीच में है, हम उनका भी अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। के दानपति जी आपका भी अभिनंदन अभिवादन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद और अखिल भारतीय बुंदेली संस्कृति परिषद, ये दोनों समर्पित है प्रभा विश्वकर्मा जी को। एक बार प्रभा जी दोनों समर्पित है प्रभा भाई, वंदन नमन अभिनंदन। और अब इसके बाद अगला सवाल, सम्मानीय साधना जी आप कृपया मंच पर आए, अभिलाषा पांडे आप कृपया मंच पर आए, हमारी सुश्री आशा दीदी कृपया मंच पर, आशा दीदी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन। यही जल्दी जी का चंद्र प्रकाश वैश्य जी का अभिनंदन मोतियों की माला के साथ, डॉक्टर मुकुल जी का अभिनंदन लाइव, प्रीति जी मुकुल जी का अभिनंदन कर रही है मुकुल जी और इसके बाद अगला चरण मंच पर हम साधन आमंत्रित करते हैं वो महिलाओं को जिन्होंने समाज की मूल धारा से जुड़कर साखो समाज में मातृशक्ति की चेतना और जागृति को अभिव्यक्त किया, वो समस्त मातृशक्ति गौरवमयी है, अभिनंदनीय है। तो अखिल भारतीय यानी कि अखिल भारतीय साखो समाज महिला मंडल उसके सभी प्रतिनिधिगण, उनको हम सबको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया मंच पर आने की अनुकंपा करें। हाँ कृपया मंच पर आए, ये देखने अलग करें। आदरणीय इंदुलता गुंजानी जी मंच पर हार्दिक अभिवादन। व्यक्ति का सम्मान बाद में है, अभी हम संस्था का सम्मान कर रहे हैं। और इंदुलता जी आप भी शामिल हो सकती है। श्रीमती सावित्री साहू कृपया मंच पर, प्रादेशिक अध्यक्ष श्रीमती इंदुलता गुंजानी प्रादेशिक सलाहकार कृपया मंच पर, सरिता सतीश साहू मंच पर आमंत्रित है, मंच पर आमंत्रित है राखी साहू, प्रभा जी डॉक्टर सरिता साहू मंच पर, नीलम साहू मंच पर, शकुंतला साहू जी, नीतू